आज की जो हमारी प्रेस वार्ता, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स, हमारी ये डिमांड है कि हमारी जो स्टेटहुड का दर्जा उसे वापस दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार 370 टूटने के बाद और हमारी हस्ती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद जो यूटी के कानून यहां लगाए जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, जिन लोगों को रोजगार दिया गया है आज उनसे रोजगार छीना जा रहा है। जिस प्रकार ये भाजपा की हुकूमत डेवलपमेंट के नाम पे और रोजगार देने के नाम पे भेदभाव कर रही है, छल और कपट कर रही है, जिस प्रकार सिद्धड़ा में जो रेस्टोरेंट सीज किए गए, हम उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि जब वो रेस्टोरेंट जब एस्टेब्लिश हो रहे थे तब म्युनिसिपैलिटी और स्टेट एक्ट क्यों नहीं वहां जागा, क्यों फॉरेस्ट एक्ट उनको उस वक्त याद नहीं आया जब उन लोगों ने वहां पे लोन लेकर वो रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश किए। 2 साल के बाद जब वहां पे उस वीरान जगह पे कोई जाता नहीं था, आज जब वहां टूरिज्म बढ़ गया, जब वहां लोग जाना शुरू हो गए, तो आपने उन लोगों की पांव पे कुल्हाड़ी मारी, उन रेस्टोरेंट्स के साथ उन लोगों को, उन बच्चों को, उन नौजवान साथियों को बेरोजगार किया जो वहां कोई कुक का काम करता था, कोई वेटर का काम करता था। इसी प्रकार जो नई पॉलिसी आप जम्मू कश्मीर के अंदर लेके आ रहे हैं, हमारे मंदिरों के शहर को आप शराब की दुकानों का, वाइन शॉप का शहर बनाने जा रहे हैं, हम उसे भी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि 217 दुकानें जो ऑलरेडी हमारे जम्मू के अंदर चल रही हैं, वो 217 परिवार को तो आप बेरोजगार कर रहे हैं, उनके साथ साथ हर दुकान में 3-3 सेल्समैन हैं, तो 30,000 बच्चों को आप बेरोजगार कर रहे हैं। हमारी डिमांड है कि जब तक हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिलेगा, ये नए नए कानून इस तरीके से यहां लगाए जाएंगे। आप देखें माइनिंग माफिया किस प्रकार अपनी मनमानी कर रहा है, जो 1200 रुपए का हमें रेत का और बजरी का जो ट्राली हमें मिलती थी, आज वो 4000, 4500 और 5000 के बीच में मिल रही है। आज एक गरीब व्यक्ति जिसने अपना घर बनाना है लोन लेकर, उधार लेकर, वो कैसे 4000, 5000 की रेता को अपने घर के अंदर लगाएगा। हम चाहते हैं कि हम जम्मू शहर को वाइन शॉप का शहर नहीं बनने देंगे। अगर ये वाइन शॉप हमारे एरियों में खुलती है, हमारे वार्ड्स में खुलती है, तो हम उसे आग लगा देंगे, लेकिन इस नई रूल को नहीं लगने देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनिंग माफिया की तरह इस वाइन शॉप एसोसिएशन में भी जो ये नया लॉ लाया है, इसमें भी बाहर के लोग, क्योंकि हमारे जम्मू के लोग बोले बाले हैं, हमारे खंड मीठे लोग डोगरे बोले बाले हैं, वो इस बोली में, इस बिड में आगे नहीं आ सकते। तो हमारी ये डिमांड है, हम इसे कंडेम करते हैं, जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसे हम नहीं होने देंगे। इसके लिए अगर हमें हर वार्ड में और जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट करना पड़ा, हम वो प्रोटेस्ट भी करेंगे। हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि जब वो रेस्टोरेंट्स बन रहे थे तब आपके इंस्पेक्टर्स और ये रोशनी, तब ये फॉरेस्ट एक्ट और स्टेट एक्ट तब आपका कहाँ था, तब ये लोग क्यों नहीं वहाँ आए? आज जब आप रोजगार नहीं दे सकते तो आप रोजगार छीन क्यों रहे हैं? तो इसी मुद्दे के ऊपर जो हमारी आज की प्रेस वार्ता है कि जम्मू शहर को वाइन शॉप का शहर हम नहीं बनने देंगे।